अब आते हैं मेरे बेडरूम की तरफ। एंड ये पूरी चल रही है होम सीरीज जिसमें मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ हाउस हंटिंग का। आज मैं आपको देने वाली हूँ एम्प्टी हाउस टूर जिसका आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टेयर्स ये फर्स्ट फ्लोर पे है घर जो हमारा हमने लिया हुआ है एंड ये घर ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। बहुत ही प्यारा घर है। सो जल्दी से आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि बाहर का एरिया है जो कि ज़्यादा है इधर की तरफ एंड इधर बालकनी को मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले घर दिखा देते हैं। गाइस ऊपर की जा रही है, अभी मेरे यहाँ पर सामान रखा हुआ है एंड अभी यहाँ पर डीप क्लीनिंग होनी बाकी है। थोड़ी बहुत क्लीनिंग करा रही थी क्योंकि मुझे आप लोगों को हाउस दिखाना था, तो आ जाएंगे फटाफट। हम अंदर एंटर करते हैं तो मेरे राइट हैंड साइड पर है हमारा ओपन किचन। सो यू गाइस कैन सी इट्स वेरी बिग एंड यहाँ पर मैं अच्छे से वीडियोज वगैरह बना भी सकती हूँ एंड कुकिंग करने पे बहुत मजा आने वाली है। इट्स अ मॉड्यूलर किचन एंड ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है तो सब कुछ बिल्कुल न्यू है। यहाँ पर सारी कवर एंड सब कुछ अभी ही बना हुआ है। आप आने के बाद देखेंगे तो आपको सब कुछ दिख रहेगा। ऊपर भी सारी कवर्स वगैरह बनी है, पैंट्री के लिए सेक्शन है, सब कुछ है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा किचन एंड अब किचन के जस्ट सामने है लॉबी जो अच्छी खासी बड़ी लॉबी है एंड मैं तेज़ बोलने सुना आपको सुनाई के पास आके बोल रही हूँ। तो अभी फैन चला रखी है क्योंकि यहाँ पे नीचे गीला है, फ्लोर क्लीन हुआ था तो घर अगर लाइट चाहिए था बहुत जिसमें सन लाइट आती हो वैसा ही हमने घर लिया है। अब इधर जैसे लॉबी से आगे बढ़ते हैं हमारा ड्राइंग एंड लिविंग रूम आता है। सो ये भी काफ़ी बड़ा है एंड इसमें बहुत सारी लाइट आती है, सन लाइट आती है, सामने से बड़े बड़े विंडोज हैं एंड डोर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा लिविंग ड्राइंग रूम। उसके बाद जैसे ही हम लॉबी से आगे बढ़ते हैं मेरा और मेरी सिस्टर का एक रूम आएगा एंड उसी साइड पे मेरे पेरेंट्स का रूम आएगा और यहाँ पर गाइस हमने ये न्यू पूरा बनवाया है। तो दिस इज बेसिकली फॉर माय शूज। ये हमने वॉश बेसिन के पास में कवर एंड सेक्शन ड्रॉर्स बनवा दिए हैं। यहाँ पर झाड़ू वगैरह रखे हुए हैं क्योंकि अभी क्लीनिंग हुई तो प्लीज़ इग्नोर दैट डस्ट। तो रामनगर अकेडमी का थीम हमने खुद से कस्टमाइज करके बनवाया है। अब आते हैं मेरे बेडरूम की तरफ। ये है एंट्रेंस, जैसे आप अंदर एंटर करते हो अब यहाँ पे लाइट्स कम है, ठीक है, एंड साउंड थोड़ा इको होगा। मैं जो बोल रही हूँ इको होगा वो प्लीज़ बेयर करना मेरे साथ। अच्छा खासा बड़ा रूम है, अटैच सामने वॉशरूम है, ठीक है, एंड वहाँ पर हमारी आती है कवर्स। कवर्स पर जाती है, ये भी न्यू बनी है सारी एंड यहाँ पर ड्रॉर्स वगैरह है। सो इट्स अ ह्यूज कवर जिसमें हमारा बहुत सारा सामान हो जाएगा। इन्फ्लुएंसर में बहुत सारे सामान रहते हैं तो उसको रखने के लिए बड़ा कवर चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि अटैच बाथरूम है और सो गाइस यहाँ पर इस तरीके की स्लाइड करके आपको खिड़की हो जाती है क्योंकि बड़ी है, वेंटिलेशन भी अच्छी है। मम्मा पापा के रूम में भी यही है सेम एंड यहाँ पर आंगन टाइप का छोटा दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे रूम में अटैच बाथरूम में भी ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखाऊंगी बट इट्स गुड एंड स्पेशियस भी है, ठीक है। अभी क्लीनिंग होने बाकी है, अब मैं आपको मम्मा पापा का रूम दिखाती हूँ। रूम के लिए हमारे पास पाउडर रूम है, कॉमन बाथरूम है फॉर गेस्ट एंड जो भी हमारे रूम में आता है इसके लिए, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा है, इसमें सब कुछ है, अच्छे से आप लोग देख सकते हो। तो इसकी क्लीनिंग हो गई है बट और की बाकी है। और यहाँ पर एक छोटी सी गैलरी सॉर्ट ऑफ है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो मेरी सीलिंग्स का बेडरूम आ जाता है जो कि क्लीनिंग हुआ है। पूजा आपने पहले कर दी थी, यहाँ पर कोई अलग से सेक्शन नहीं था, भगवान ने रखे हुए हैं। सेम स्लाइड जो मेरे रूम में है वह यहाँ पर भी है, बड़ी सी विंडो है जिससे बहुत सारा वेंटिलेशन एंड लाइट आती है, ठीक है। ये भी पूरा वाइट रूम है, कहीं आपको कलर दीवारें नहीं दिखेंगी एंड कोई भी रूम ऐसा अंधेरे वाला नहीं दिखेगा। बड़ा सा रूम है एंड बेड बड़ा हुआ है, सामान आना बाकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कबर्ड रखने की जगह मिल जाती है एंड उसको आप चेंज इन रूम भी बना सकते हो। हम यहाँ पर कबर्ड रखेंगे एंड इसके बाद मम्मा पापा के लिए भी उनका अटैच बाथरूम है। टू रूम, सो बेसिकली इट इज़ अ 2 BHK हाउस, ठीक है, एंड फॉर अस इट इज़ द बेस्ट वन। जितने भी हमने देखे थे यहाँ पे कॉलोनी वाला ज़्यादा चीज़ें चलती हैं सो उसके हिसाब से हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा था एंड इसके ऊपर भी हमने एक रूम लिया है फॉर स्टोरेज। तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे एक ऊपर और फ्लोर आने पर यहाँ पर है टेरेस। जैसे आप स्टेयर्स में ऊपर चढ़ते हो यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ा सा पूरा ऐसे एक
विंडो में जाती है एंड जैसे इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पर हमारी है छत ब्यूटीफुल द व्यू एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। मुझे भी बहुत स्वेटिंग हो रही है। एक रूम है जो कि अनफॉर्चुनेटली लॉक है बट इट इज़ अ 10x10 रूम। ठीक है, छोटा सा रूम है जिसमें हम सारे स्टोरेज रखेंगे। ये अभी हमारे लैंडलॉर्ड के पास है तो जब हम शिफ्ट करेंगे तब हमें मिल जाएगा। एंड ये बहुत ही प्यारी हमारी छत है। यहाँ पर अटैच्ड एक वॉशरूम में मिल रहा है। बेसिकली हमारे पास चार बाथरूम होने वाले हैं। इससे पहले वाले घर में सिर्फ एक है, हम मैनेज करते हैं किसी तरीके से। एंड यू गाइस कैन सी बहुत ही अच्छी सी ये छत है। ऊपर भी स्टेयर्स है सो इसकी मैपिंग, इसका जो लोकेशन है सब बहुत ही परफेक्ट है। एंड मैं अब भर भर के कॉन्टेंट बनाने वाली हूँ सो वेट फॉर दैट। बालकनी तो आपको दिखाई नहीं, मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है, प्लीज़ इग्नोर। यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी सी बालकनी है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आता है यहाँ पर, बहुत धूप आती है एंड यहाँ पर भी मैं कॉन्टेंट शूट कर सकती हूँ। सो ये थी बालकनी एंड इधर मैं आपको ये शाम को बहुत मज़ा आने वाली है। यहाँ पर हम मस्त चाय पकौड़े इन्जॉय कर। सो गाइज दिस वॉज माई एम्प्टी हाउस टूर एंड अब मैं किसी भी कोने में जाके व्लॉग कर सकती हूँ, शूट कर सकती हूँ। नो मोर लाइटिंग प्रॉब्लम एंड कलर वॉल प्रॉब्लम। सो मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज करूँगी एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि हमें इतना अच्छा हाउस मिल गया हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा एंड कुछ टाइम बाद, मतलब अभी 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे मेरे सेटल डाउन होने में एंड फिर मैं आपके साथ फुल रूम एंड पूरा घर का टूर दूंगी आपको अच्छे से। सो वेट फॉर दैट एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को। प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट एंड जो लोग लाइक नहीं करते हैं ज़रूर लाइक कर देना क्योंकि इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उसी की वजह से यूट्यूब मेरे वीडियोज़ को सजेस्ट करेगा अदर लोगों को। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए एंड आई लव यू ऑल। बाय।